फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ में निकली भर्ती के बारे में, जिसमें आपकी अप्रेंटिस की पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, वह कौन सी आपकी वैकेंसी है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं हमारी जो निकली है वैकेंसी के बारे में, इसके आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो वैकेंसी डीआरडीओ की है, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की वैकेंसी, आपका एडवर्टाइज नंबर देखने PXE HRD, ठीक है। यहाँ पे आपको चंडीगढ़ आपका बालसोर में है, यहाँ पे आपको प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल स्टेब्लिशमेंट्स आपकी PXE की चंडीपुर प्राइमरी स्टेब्लिशमेंट अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी, दिस स्टेब्लिशमेंट इनवाइट एप्लीकेशन, आपको आवेदन करता एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप 1 ईयर ट्रेनिंग फॉलोइंग कैटेगरी, आपकी जो निम्नलिखित कैटेगरी आप दे सकते हैं, टेक्नीशियन की, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की, डिप्लोमा इन सिनेमाटोग्राफी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जिसमें 14 हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 4, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर 1, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ इंजीनियर में आपकी स्टीवन 8000 है इन सबका, ठीक है। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियर की यहाँ पे है, ठीक है, 1, 7, 1, 8000। टेक्नीशियन ITI एप्लीकेशन अप्रेंटिस की, ITI इन फिटर, ITI इन डीजल मैकेनिक, ITI इन इलेक्ट्रिकल 3, ITI इन कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा 4, 7 आपकी 7000 वैकेंसी है, ITI इन इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे आपकी 2, ITI इन वेल्डर 2, ITI इन टर्नर 2, ITI इन मैकेनिक 2। तो यहाँ पे आपकी निम्नलिखित वैकेंसी है आपको मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं drdo.gov.in है, ठीक है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है वेबसाइट से और कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सेंड स्कैन कॉपी, ठीक है, आपको स्कैन कॉपी एप्लीकेशन को डिजायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ सर्टिफिकेट के साथ PDF के द्वारा फॉर्मेट में इस ईमेल आईडी पे सेंड करना है, जो कि लास्ट डेट है 27 फरवरी 2021। तो 27 फरवरी से आपको फॉर्म को यहां से डाउनलोड करके, स्कैन करके, अपने साइन करके, यहां पे आपको डॉक्यूमेंट के साथ PDF बनाकर इसको भेज देना है, ठीक है। तो अब हम नीचे चलते हैं फ्रेंड, जो कि अब हम नीचे जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करस्पॉन्डेंट विद कैंडिडेट क्या रहा है, ऑल करस्पॉन्डेंट इंक्लूडिंग ऑफर शैल बी डन थ्रू ईमेल ओनली, यहाँ पे ईमेल के द्वारा होगा। ऑफर लेटर, रेस्पॉन्सिबिलिटी डाउनलोडिंग प्रिंटिंग लेटर शैल बी द कैंडिडेट ऑफ द PXE विल बी नॉट बी रेस्पॉन्सिबल एनी लॉस ईमेल सेंड ड्यू टू इनवैलिड रॉन्ग ईमेल आईडी, ठीक है। आप गलत ईमेल आईडी देते हैं तो यहाँ पे आपकी गलत चले जाएगा, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, द सिलेक्शन बेस्ड ऑन PXE विल बी गो थ्रू एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एज पर द वैकेंसी इंडिकेटेड अबव, ठीक है, ऊपर दिए गई आपको वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को वैकेंसी के हिसाब से। कैंडिडेट आप सेलेक्टेड आपके जो बेसिस आपके मेरिट बेस पर होगा, यानी आपके जो मार्क्स के मार्क्स हैं ITI में जो भी मार्क्स होंगे क्वालिफिकेशन एग्जाम में, उसके अनुसार यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। आका इनकेस टाई होता तो आप लोअर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर, तो जिनके कम मार्क्स हैं उनको यहाँ पे पहले कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आप इनकेस फर्दर टाई प्रायोरिटी विल गिवन टू ऑर्डर ऑफ मैथ साइंस इंग्लिश इन क्लास 10th के एग्जाम पे, ठीक है। ऑफर लेटर आपके ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। टर्म एंड कंडीशन सिलेक्शन अप्रेंटिसशिप की यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले NATS के पोर्टल पे आपको जाना है, वहां पे ITI पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो एक आपका ITI का एक NATS के पोर्टल होता है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना है। वहां पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहां पे रजिस्टर के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। मैं बता दूंगा फॉर्म में यहाँ पर कहाँ देना होता है। आपको देखिए फ्रेश पास आउट कैंडिडेट है जो कि 2018-19-20 के कोर्स के लिए पास कर चुके हैं, वो ओनली कैन एलिजिबल, उसके अलावा की जो है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। विद द पोस्ट ग्रेजुएशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो कैंडिडेट वो है कंप्लीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज पर रेगुलर कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। डिप्लोमा ITI होल्डर जॉब एक्सपीरियंस पीरियड 1 ईयर मोर आफ्टर अटेंडिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी यहाँ पे टोटली फ्रेश लोगों की बात होती है हमारे अप्रेंटिस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रेशर है वही यहाँ पर कर सकते हैं। एक साल का आपका कोर्स रहेगा,
ठीक है। तो यहाँ देखने को मिल जाएगा अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यहाँ पे आपका जो आ रहा है यहाँ पे आईटीआई दे सकते हैं, आपको एनएपीएस जो मैं बता रहा था इधर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके आपको फोटो लगाना, नेम, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना जिस टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमा है या आईटीआई है, ठीक है। यहाँ पे आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एंड नेम, फादर नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करानी है, ठीक है। इस फॉर्म को आपको फिल करके स्कैन करके आपको भेजना है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखना है, अगर आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा वाले आपको, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एनएपीएस यानी यहाँ पे जो लोग आईटीआई कर रखे हैं उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे कैंडिडेट में, यहाँ पे आपको उस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी उस फॉर्म में आपको देनी है, जो लोग डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पर जाएंगे एनरोलमेंट करेंगे, उनका एनरोलमेंट नंबर होगा वो वहां पर आपको देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है, इनके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखा है दोनों के ऊपर, आप जाके हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं फ्रेंड। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। अगर फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहें, डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारियां मिलती रही। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।